हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बहुत टाइम के बाद जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें हम बनाने वाले हैं एक केक जो कि बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई ओवन नहीं चाहिए, कोई पैन नहीं चाहिए, हम इसे बनाएंगे सैंडविच मेकर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा केक हमने किस तरह से तैयार किया है। केक का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में अंडा लिया है और साथ ही मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी के लिए हैं, और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से बीट करूंगी। इसे हमने इतनी देर तक बीट करना है जब तक कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, क्रीमी सा हो जाए। ये केक बहुत ही आसान है, बनने में टाइम भी नहीं लेता है, इसके बैटर को तैयार होने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें जो हमेशा सबके घर में मौजूद होती हैं उसी से ही ये बन जाता है। तो जैसे ही आप देखें कि अंडे को और चीनी को फेंटते हुए हमें इतना टाइम हो चुका है और ये फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो गया, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इस स्टेज में मैंने इसमें शामिल किया है 2 खाने के चम्मच दूध के, रूम टेम्परेचर पर लिया है मैंने, और साथ ही 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। कोई सा भी ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं, और 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस की मैं इसमें डालूंगी। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि वनीला एसेंस क्यों ज़रूरी है। वनीला एसेंस हम सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि केक में से अंडे की स्मेल है वो ना आए। अगर आपको इसका कोई इशू नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डाल लेने के बाद अब हम इसे दोबारा से अच्छे से बीट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें लूँगी 1/2 कप मैदा, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि कोई भी इसमें लम्स ना बने, कोई गुठली ना रहे। इसको छान लेने के बाद साथ ही मैंने इसमें 1/2 चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर का लिया है। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है, और इसको भी मैं इसी तरह से छान कर इस्तेमाल करूँगी ताकि इसकी भी कोई गुठली ना बने। और इन्हें डाल लेने के बाद अब मैं दोबारा से इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आके हर चीज़ यकजान हो जाए और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर की कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा ये तैयार हो गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो बैटर यहाँ पर हमारा रेडी है, सिर्फ इतना ही हमने काम करना था। दूसरी तरफ सैंडविच मेकर मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है और अब मैं इसको ग्रीस कर लूँगी। एक ब्रश की हेल्प से लेकर मैं थोड़ा सा ऑयल इसके चारों तरफ लगा लूँगी, ऊपर और नीचे। और अब मैं इसमें जो बैटर हमने तैयार करके रखा था उसका 1/1 चम्मच लेकर चारों तरफ, जैसे इसके 4 खाने बने हुए हैं, इस तरह से मैं इसमें डालती जाऊंगी और इक्वली मैं चारों में स्प्रेड करूंगी। ये आप देख लीजिए, इस तरह से हमने इसको इक्वली चारों में स्प्रेड कर देना है। और जब हम इसे डाल लें तो अब हम इसे बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रखेंगे, तकरीबन नहीं, हम पूरे 5 मिनट के लिए इसे रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा फूल चुका है और गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ चुका है इस पर। इसे हम निकालेंगे सर्विंग डिश में, बहुत एहतियात से, आप किसी चम्मच की मदद से ही निकालिए, बहुत गर्म होंगे। और बिल्कुल सेम प्रोसेस से जैसे हमने पहले इसको पहले ग्रीस किया था और फिर हमने इसे में 1/1 टेबल स्पून बैटर का डालकर अच्छी तरह से स्प्रेड करके 5 मिनट के लिए इसे दोबारा रख देना है। तो यहाँ पर आप देख ही लिया है कि इसको बेकिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, इसके बैटर को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको क्विक कुछ बनाना है, अच्छा भी हो और बहुत जल्दी से बन जाए, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तैयार होता है, जायके में भी, और बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पर दोबारा 5 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख लीजिए, ये भी हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। और इसे भी मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ इसका कलर, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इस पर आ चुका है। तो गाइज, यहाँ पर हमारे केक बनकर बिल्कुल तैयार हैं, हमने इसे सर्व किया है शाम की चाय के साथ।
मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ कि कितना फ्लफी और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगेगा और आपका बहुत ही अच्छा सा इवनिंग स्नैक बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर हमें कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।